सैलरी आपको बता दूं कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है जिसका 44900 बेसिक होता है। तो बात करते हैं प्रमोशन की, तो भैया एक्साइज इंस्पेक्टर के बाद आपका पहला प्रमोशन होता है सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पे, सुपरिंटेंडेंट के बाद दूसरा प्रमोशन होता है आपका असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ऊपर से कितना कमा लेते हो, अंडर टेबल मनी का क्या सिस्टम है, सभी को तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में क्या रहेगा, आपको मैं बताऊंगा कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होती है एक्साइज इंस्पेक्टर की, सैलरी क्या होती है, ट्रांसफर कैसे होते हैं, काम क्या करना पड़ता है, कैसे आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट को चूज करने का मौका मिलता है और आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये जो बनने तक का सफर है, ये हम इसको एक छोटे से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप 12th के बाद अगर तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे तैयारी करें, एक छोटा सा वीडियो आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम सोलली बात ये करेंगे कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर का लाइफ कैसा होता है, जॉब कैसा होता है, सैलरी क्या होती है, रहता कहाँ पे है, काम क्या करता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंस्पेक्टर कृष्ण की में। बहुत ही धन्यवाद आपको करना चाहूंगा कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है और आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट होता रहूंगा मैं, आपको भी मोटिवेट करता रहूंगा। हारने नहीं दूंगा किसी को भी, सबकी नौकरी लगेगी और सब कोई खुद से स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, ये मेरा दावा है, बस आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर है क्या, मैं आपको बता दूं कि एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक्साइज इंस्पेक्टर जो पोस्ट कोड है या पुराना ही पोस्ट कोड है, अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया है, लेकिन 2017 में जब से जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तब से ये इसका नाम बदल के जीएसटी इंस्पेक्टर कर दिया गया है ऑल डिपार्टमेंट्स में। बस ये नाम जो एग्जाम में आता है वो एक्साइज इंस्पेक्टर का होता है, ये आप जान सकते हैं। सीजीएल द्वारा रिक्रूटमेंट की गई जितने भी पोस्ट है उसमें से सिर्फ एकमात्र यही एक पोस्ट है जिसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है और ये कैप पहनने का आपको मौका मिलता है। इस कैप को आप पहन सकते हैं, सिर्फ यही एक पोस्ट है जिसमें आप इसको पहन सकते हैं। लेकिन मैं एलिजिबल अपने आप को समझता हूँ इसलिए क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से एक्साइज इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ, तो मैं चीजें बता सकता हूँ क्या होती है, कैसे हो सकती है। वीडियो को पूरा देखना, समझ में अच्छा आएगा। जो कमेंट में डाउट करोगे उसका रिप्लाई भी करूंगा मैं, जो भी डाउट होगा पूछ लेना। स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल से। जॉब प्रोफाइल क्या है, सिंपली आप एज एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपका काम है टैक्स इवेजन को रोकना अगर आप उस यूनिट में पोस्टेड होते हैं। तो हम देखते हैं जीएसटी को, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी बिजनेस मैन जो जीएसटी पे कर रहे हैं वो सही से जीएसटी सरकार को पे कर रहे हैं या नहीं, या कोई चोरी कर रहे हैं या नहीं, ये काम एक जीएसटी इंस्पेक्टर का होता है। लेकिन ये काम तब उसका होगा जब वो उस यूनिट में पोस्टेड होगा, जैसे एंटी इवेजन यूनिट हो गया, ऑडिट यूनिट हो गई, तो अगर उन यूनिट्स में पोस्टिंग होगी उसकी तो वो ये सारा काम करेगा, अदरवाइज उसको ऑफिस में बैठना होता है। क्योंकि ये जो जॉब है ये दोनों जॉब है, फील्ड जॉब भी है और डेस्क जॉब भी है, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, डिपेंड ये भी करता है कि आप पहले किस सेक्शन में पोस्टिंग पाते हैं। अगर आप फील्ड जॉब में पोस्टिंग पाते हैं तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, टैक्स पेयर से मिलना पड़ेगा, उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे आपने ये कैसे किया, क्या किया। और अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑफिस में बैठ के फाइल्स मेंटेन करना होता है, जो भी फाइल्स बाहर से आती है, अंदर से आती है, जो भी डिपार्टमेंट में काम चल रहा है ये काम आपको करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, दो तरीके की पोस्टिंग होती है, नॉन सेंसिटिव और सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब ये होता है जिसमें आपका टैक्स पेयर से इंटरेक्शन होगा, नॉन सेंसिटिव का मतलब ये होता है जिसमें आपका टैक्स पेयर से कोई इंटरेक्शन नहीं। यही अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेंसिटिव का मतलब ये होता है जो आपका फील्ड वर्क है और नॉन सेंसिटिव का मतलब होता है जो आपका ऑफिस वर्क है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल दो तरीके का है, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव, डेस्क जॉब या फील्ड जॉब। फील्ड जॉब में आप रहेंगे तो आपको टैक्स पेयर से मिलना पड़ता है, उनसे चीजें पूछनी पड़ती है, रेड मारने जाते हैं, इंस्पेक्शन पे जाते हैं, सर्च पे जाते हैं, सारी चीजें देखते हैं, कोई चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ना है, उसकी पूरी हिसाब लगानी है कितना चोरी कर रहा है, फिर उसको बताना है कि आपको इतना पेमेंट करना है, नहीं तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। नॉन सेंसिटिव जो होता है उसमें आपको ऑफिस में बैठे रहना है, ऑफिस में बैठ के आपको फाइल्स मेंटेन करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, ये सारा काम आपको करना होता है। जब आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आ जाएगा। ये था सिंपल सा जॉब प्रोफाइल। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पावर क्या है। तो देखिए, पावर तभी है जब आप फील्ड में हैं। जब आप फील्ड में हैं तो पावर है आपके पास, अगर ऑफिस में है तो आपके पास कोई पावर नहीं है। सिंपल सी बात ही है। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, आपके पास यूनिफॉर्म होता है, लोग देख के डरते हैं, सैल्यूट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं इस यूनिफॉर्म की और डरते हैं इसे, तो वो आपकी पावर है। कुछ ऐसा आपका पुलिस वाला पावर नहीं है आपके पास कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को कुछ भी कर सकते हैं, किसी को FIR लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें सारा काम कागज वाला होता है, आराम से एक एक स्टेप होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। इसलिए आपका पावर क्या है, अगर रुतबा है, रेस्पेक्ट है, यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट है तो आपको मिले। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ड्यूटी आवर की। ड्यूटी आवर क्या है, कब से कब, जो नॉर्मल ड्यूटी आवर होती है वो सुबह 9:45 से लेकर शाम को 5:45 तक होता है, लेकिन लोग 10 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं। अब मेरा क्या है,
मेरा मेरा ड्यूटी और कोई फिक्स नहीं होता, जब भी काम होता है मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मैं फील्ड वर्क में हूँ। तो मैं फील्ड में पोस्टेड हूँ, तो मैं कभी कभी रात में 2 बजे भी आता हूँ, कभी कभी रात में 1 बजे भी आता हूँ, रात में 10 बजे भी कई बार आया हूँ। तो डिपेंड करता है, अगर आपका ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, तो आप सुबह 2 बजे जाते हैं, शाम को 7-6 बजे चले जाते हैं। सिंपल सही आवर होता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन अगर आप फील्ड में है तो फिक्स नहीं है कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की है, जितनी जरूरत होगी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं भैया कि सैलरी क्या मिलती है। तो सैलरी आपको बता दूं कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसका 44,900 बेसिक होता है, और आपकी जो एंड हैंड सैलरी आती है वो डिपेंड करती है कि आपकी सिटी में पोस्टेड है, एक्स सिटी में पोस्टेड है कि वाई सिटी में पोस्टेड है या जेड सिटी में पोस्टेड है। एक्स सिटी में अगर आप पोस्टेड होंगे तो इस समय के हिसाब से आपकी सैलरी 74-75,000 के पास आएगी। वाई सिटी में अगर आप पोस्टेड होंगे तो आपकी सैलरी लगभग 66-67,000 आएगी, और जेड सिटी में अगर आप पोस्टेड होंगे तो 59-60,000 आएगी, जो मेरी आती है क्योंकि मैं जेड सिटी में पोस्टेड हूँ। ठीक है, जेड सिटी और एक्स सिटी और वाई सिटी में सिर्फ एचआर का डिफरेंस होता है, क्योंकि जब एचआर जब बड़े सिटी में रहते हैं तो आपको मकान किराया ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए ज्यादा सैलरी मिलती है। तो सिंपल सी सैलरी यही है, क्लियर होगी आपको। अब बात करते हैं हम क्वार्टर्स मिलते हैं या नहीं रहने के लिए। तो देखिए, अगर आप क्वार्टर्स की बात करेंगे तो मेट्रो सिटीज में क्वार्टर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पहले से बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं, तो क्वार्टर्स मैक्सिमम फुल होते हैं, और आपको टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जो कि 2 BHK होता है। तो आप अगर 2 BHK रहना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर्स के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है बड़ी सिटीज में। जैसे मैं यहाँ जेड सिटी में हूँ, यहाँ क्वार्टर्स खाली थे तो मुझे आराम से मेरा क्वार्टर्स मिल गया। मेरे क्वार्टर का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बढ़िया सा क्वार्टर है मेरा, आराम से रह रहा हूँ। लेकिन दूसरी सिटीज में, बड़ी सिटीज में जाएंगे तो आपको क्वार्टर्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको बाहर रहना पड़ता है आपको। बाहर रहना मुझे ठीक भी लगता है, कोई टेंशन नहीं। क्वार्टर्स की बात यहाँ तक खत्म। बात करते हैं प्रमोशन की। तो भैया, एक्साइज इंस्पेक्टर के बाद आपका पहला प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे। सुपरिटेंडेंट के बाद दूसरा प्रमोशन होता है आपका असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आप बनते हैं डेप्यूटी कमिश्नर के बाद आप बनते हैं ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप बनते हैं एडिशनल कमिश्नर, जो कि आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप सीजीएस से ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। प्रमोशन की बात करें तो ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए प्रमोशन का मतलब कुछ नहीं होता है। आप चाहे इंस्पेक्टर रहें चाहे सुपरिटेंडेंट रहें, आपकी इज्जत उतनी ही है, क्योंकि ग्रुप ए ऑफिसर्स और ग्रुप बी ऑफिसर्स में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपको प्रमोशन वाला बेनिफिट चाहिए, बढ़िया आपको इज्जत चाहिए, तो आपको ग्रुप ए ऑफिसर बनना पड़ेगा, आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इंस्पेक्टर हैं तो नॉर्थ साइड में क्या है, नॉर्थ साइड में अगर आप इंस्पेक्टर हैं तो आप आज के 15 साल बाद भी इंस्पेक्टर ही रहेंगे। लेकिन साउथ साइड में क्या है, साउथ साइड में थोड़ा सा प्रमोशन फास्ट है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई ST/ST कैटेगरी का बंदा जो ज्वाइन किया हुआ इंस्पेक्टर, वो 3-4 साल में इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बन जाता है, और जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के बंदे होते हैं वो मैक्सिमम 6-7 साल में सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप साउथ में पोस्टिंग लेते हैं तो आप जितने देर में असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, एग्जामिनर लेके चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर लेके, जितने देर में आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे 15-17 साल में, उतने देर में जो आपका दोस्त दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर बना बैठा होगा वो भी इंस्पेक्टर ही रहेगा, और आप असिस्टेंट कमिश्नर बनके यहां से वापस दिल्ली आ सकते हैं। ये यहां का माहौल है, मैं आपको बता रहा हूं। साउथ में पोस्ट प्रमोशंस बहुत फास्ट हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे हैं जो हवलदार से अभी सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं, 30 साल की नौकरी उन्होंने इतने प्रमोशन ले लिए कि जब ज्वाइन किया था हवलदार पे और आज वो सुपरिटेंडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट यहाँ पे प्रमोशन है। बात अब करते हैं ट्रांसफर की। आप अगर साउथ में पोस्टिंग ले लिए हैं तो क्या आप अपने घर जा सकते हैं ट्रांसफर लेके? तो जवाब है नहीं। आप जोन चेंज नहीं कर सकते हैं। आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, 5 साल के लिए मैक्सिमम जा सकते हैं। आपके पास अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप वापस आके फिर 1-2 साल इधर काम करके फिर 3-4 साल के लिए आप डेपोटेशन पे जा सकते हैं। डेपोटेशन आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? DGGI में जा सकते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस यूनिट है GST का, DRI में जा सकते हैं, ED में जा सकते हैं। इन जगहों पे आप डेपोटेशन पे जा सकते हैं और आराम से अपने होम स्टेट में या होम टाउन में रह सकते हैं, अगर आपको पोस्टिंग वहां मिल जाती है तो, अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो। 5 साल के लिए आप डेपोटेशन पे जा सकते हैं। दूसरा काम होता है आपका लोन बेसिस पे। क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा करना होता है, बस ये बताना होता है कि मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ रहना है, ये काम है, ये हेल्थ इश्यूज है, या घर में कैसा दिक्कत है, मैं 2 साल के लिए वहाँ रहना चाहता हूँ, 3 साल के लिए वहाँ रहना चाहता हूँ। तो ये काम होता है लोन बेसिस पे, आप वहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन आपका जोन ट्रांसफर नहीं हो सकता अगर आपका प्रमोशन होता है। जैसे कि आप अभी इंस्पेक्टर हैं, 2 साल के बाद अगर आप दिल्ली में चले जाते हैं, DRI में चले गए, DGGI में चले गए या ED में चले गए डेपुटेशन लेके, और 2 साल के बाद आप वहाँ पे 3 साल में प्रमोशन होने वाला है आपका। जैसे ही आपका प्रमोशन हो, जैसे आप सुपरिटेंडेंट होंगे, आपका फिर से आपको पेरेंट जोन में आना पड़ेगा। तो आपको हमेशा पेरेंट जोन में आना ही आना है फाइनली, जब तक कि आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन जाते। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद आप चाहे जहां पोस्टिंग ले सकते हैं। तो ये था ट्रांसफर की बात। ट्रांसफर के बाद मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है पिछले 6-7 महीने में, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये अच्छा रहा है कि भैया मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छी जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब है, बढ़िया रेस्पेक्ट मिलती है, वैल्यूएबल जॉब है। ये टोपी को पहनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ है मेरे पास, समझ रहे हैं, अच्छी नौकरी है। मैं प्रेफर करूंगा कि मैं दिल्ली में TA रहूं, उससे अच्छा कि मैं साउथ में एक्साइज इंस्पेक्टर रहूं, क्योंकि पोस्ट तो पोस्ट ही होती है। और कितनी बार आप घर जाएंगे, घर से साल में 2 बार 3 बार घर जाएंगे, ज्यादा क्या जाएंगे,
कुछ नहीं, आपकी अपनी भी तो लाइफ आने वाली है आगे, तो ये मत सोचिए, कैरियर के ग्रोथ के बारे में सोचिए। मैं यही सोचता हूँ, आपका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि भाई कैरियर में ग्रोथ होना चाहिए, और इंडिया में ही है भाई, इंडिया से बाहर तो है नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर जगह है, चैलेंजेस आपको हर जगह मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ऊपर से कितना कमा लेते हो, अंडर टेबल मनी का क्या सिस्टम है, तो मेरे भाई अगर आप अंडर टेबल मनी के लिए, ऊपर से कमाने के लिए अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया करके मत आइएगा, ठीक है। ईमानदारी से काम करना सीखिए, पहले ईमानदार बनिए, तभी आप अपने सिलेक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आपकी सिलेक्शन भी नहीं हो सकती। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ईमानदारी अपने अंदर सबसे पहले ले आइए, और इन सब चक्करों में मत रहिए, देश के लिए कुछ सोचिए। सब कुछ इतना कर रही है सरकार की, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, और आप यही सोच के आ रहे हैं कि मुझे भ्रष्टाचार करना है, तो फिर आपका आना यहाँ पे लाजिम नहीं है, प्लीज मत आइए। और आना है, देश के लिए काम करना है, खुद के लिए काम करना है, तो भाई आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं यहाँ पे पहले से सीनियर हूँ, और आप लोग आएंगे आपको और भी अच्छा लगेगा। कुछ दिनों में बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत पूरा नॉर्थ धीरे धीरे इधर ही आ रहा है, क्योंकि सारी सीट्स इधर ही रह रही हैं, तो आराम से धीरे धीरे अपना इधर अच्छा सब कुछ बनता जा रहा है। अंडर टेबल मनी के चक्कर में मत आना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिथ है। बाकी मन लगा के पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और चलता हूँ फिर, इस टॉपिक को पाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है, और जुलाई में एग्जाम है तो समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ 75 से 70 दिन बचे हुए हैं, तो मेहनत करते रहिए, और आप भी आएंगे, आपके सिर पे भी ये टोपी होगी, कंधों पे सितारे होंगे। चलते हैं फिर, जय हिंद।